सो गाइस ये है M154 गन, ये मैंने अमेजोन से 734 रुपीज़ की परचेज की है, जो कि कुछ इस तरीके की पैकिंग में आती है। सो गाइस अब अपन इसको पैकिंग में से निकाल देते हैं। ये है अपनी M154 गन, ये अपनी गन के पार्ट्स हैं और ये गन के साथ काफ़ी सारी बीबी बॉल्स निकलती हैं। सो गाइस अब अपन अपनी गन को असेंबल कर लेते हैं। ये अपनी AK-47 इसके ऊपर लिखा है और ये लग M146 की तरह रही है, और आगे इसके साथ एक नाइफ आता है जो कि प्लास्टिक का है, जिसे अपन इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। अब अपन अपनी गन में पीछे इसका स्टॉक इस तरीके से असेंबल कर लेंगे। ये अपनी गन का एक्सटेंडेड मैग है, जिसमें से अपन इसकी बीबी यहाँ से चढ़ा सकते हैं और नीचे एक बॉक्स में ओपन करके यहाँ से सारी बीबी को डाल सकते हैं। अपन अपना मैग भी इस तरीके से अपन इसमें फिट कर लेंगे और यहाँ पे अपन को इस बटन को इस तरीके से प्रेस करना है और अपना मैग बाहर आ जाएगा। अब अपनी गन पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुकी है। अपनी गन को फायर करना होगा तो अपन को इसको ऐसे पीछे खींचना है और एक क्लिक की साउंड आएगी और अपन को ट्रिगर दबाना है। तो गाइस अब अपन देखते हैं कि अपन को अपने एक्सटेंडेड मैग में किस तरीके से इसकी बॉल्स को भरना है। अपन को इस तरीके से इस मैग के नीचे एक लेड है, उसे ओपन करके सारी बीबियों को इस तरीके से इस लेड के अंदर डाल देना है, फिर अपन को लेड को लगा देना है। अपना एक्सटेंडेड मैग कुछ इस तरीके का दिखता है। अब अपन को आगे एक स्प्रिंग पे बटन लगा हुआ है, उसको अपन को इस तरीके से नीचे यहाँ पे फिट कर लेना है और अपनी एक्सटेंडेड मैग को ऐसे करना है तो इसमें धीरे अंदर आना चालू हो जाएंगे। और अब अपन को धीरे से इस तरीके से ऊपर कर देना है तो अपने मैग में बीबीज भर चुकी हैं। इसके एक्सटेंडेड मैग को फिट कर लेते हैं। इस तरीके से इसका एक्सटेंडेड मैग इसमें फिट हो चुका है। अब अपन को इधर से इसके ट्रिगर को इस तरीके से खींचना है। अब अपनी गन लोड हो गई है और देखते हैं निशाना लगता है कि नहीं। इस तरीके से अपनी गन वर्क करती है।